नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के अंदर टोटल करना बताएंगे कि कैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक्सेल के तरह हम लोग इसमें भी टोटल कर सकते हैं, सम कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं नंबर को। तो यहाँ फ़िलहाल आपको एक छोटा सा एग्जांपल मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, यहाँ पे टोटल किया हुआ है। यहाँ देखिए, नेम का कॉलम दिया हुआ है, हिंदी का मार्क्स दिया हुआ है, मैथ का मार्क्स दिया हुआ है, प्लस यहाँ पर टोटल किया हुआ है। तो टोटल का फॉर्मूला यहाँ पर भी हम लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग इस तरह का टेबल में कैसे टोटल करते हैं। तो फिलहाल मैं करने के लिए, सबसे पहले आप अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 को ओपन करें, यहाँ पे फाइल में जाएं, उसके बाद न्यू में क्लिक करें। करने के साथ ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो एक नया डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ जाएगा। अब जो भी टेबल आपको, सबसे पहले टेबल बनाना है, तो यहाँ पर टेबल कैसे बनाते हैं, इंसर्ट में जाइए, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा टेबल्स, यहाँ पे दिया हुआ है, टेबल्स का बटन दिया हुआ है, टेबल पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं इंसर्ट टेबल, यहाँ देखिए यहाँ पे इंसर्ट टेबल के ठीक नीचे अब जितना रो जितना कॉलम आपको लेना है यहाँ से आप ड्रैग करके भी ले सकते हैं। ऑटोमेटिकली यहाँ से ड्रैग करेंगे तो सेम टू सेम यहाँ पे टेबल आपका आपके डॉक्यूमेंट में बनता चला जाएगा। अदरवाइज डायरेक्टली आप इंसर्ट टेबल पे क्लिक करके भी, यहाँ से इंसर्ट टेबल का एक डायलॉग बॉक्स आएगा, नंबर ऑफ कॉलम जितना लेना आप यहाँ पे ले सकते हैं कॉलम्स, उसके बाद नंबर ऑफ़ रोज़ आप यहाँ पे ले सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे मैं यहाँ पे 6 नंबर ऑफ़ कॉलम 6 लेता हूँ और नंबर्स ऑफ रो यहाँ पे हम 4 कर देते हैं। नंबर ऑफ़ कॉलम देख सकते हैं 6 है और नंबर ऑफ़ रोज़ 4 है, उसके बाद ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक कॉलम 2 3 4 5 6 कॉलम और रो देखिए 1 2 3 4 चार रो हो गया। तो जितना कॉलम्स आपको लेना है, अपना जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप कॉलम्स और रो ले सकते हैं। तो फिलहाल इसे फिल कर देते हैं। तो नॉर्मल सा मैं एक टेबल तैयार करता हूँ, जैसे ये नेम का यहाँ पे नेम हो गया, उसके बाद यहाँ पे मैं इंग्लिश कर देता हूँ, इंग्लिश कर दिया, फिर यहाँ पर मैथ कर देते हैं, फिर बगल में टैब से आप जा सकते हैं, फिर हिंदी कर देते हैं, फिर यहाँ पे कंप्यूटर कर दिया मैंने, देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश मैथ हिंदी कंप्यूटर, फिर एक बगल वाला पे इसमें हम टोटल करेंगे। तो यहाँ पे मैं टोटल का एक अलग, यहाँ पे टोटल का एक अलग कॉलम हो गया। अब यहाँ पे नेम वाला जो कॉलम है, जितने नाम्स हैं आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, जैसे मैं कर देता हूँ राजा नाम दे दिया, उसके बाद यहाँ पे रानी कर देता हूँ, जो भी नाम रहे यहाँ फिलअप कर देते हैं। यहाँ पे कर देते हैं हम लोग मोहन नाम दे दिया मैंने, देखिए 3 नाम फिलअप किया। उसके बाद इनका मार्क्स, अगर यहाँ पे मार्क्स फिलअप कर देते हैं 60, फिर आप एरो की से भी जा सकते हैं, मैथ में भी कर देते हैं फिल कर देते हैं, फिर बगल में हिंदी का मार्क्स यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं। जो भी नंबर्स है आपको ऐड करना होगा, तो यहाँ पर मैं नंबर्स ऐड कर दिया, फिर यहाँ पर इंग्लिश का मार्क्स यहाँ पर भी ऐड कर दिया, अब रानी का मार्क्स यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, उसके बाद हिंदी का यहाँ पे भी मार्क्स ऐड कर दिया, फिर कंप्यूटर का मार्क्स यहाँ भी मैं ऐड कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे भी मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पे भी नंबर ऐड कर देते हैं और यहाँ पे नंबर मैं ऐड कर दिया, बहुत ज़्यादा हो गया, और यहाँ पर ऐड कर दिया नंबर। अब सवाल उठता है, ये जो टेबल है आप चाहे तो इसको थोड़ा सा इस तरह ड्रैग करके आप इसका जो स्पेसिंग है इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं ताकि आपको दिखाई दे अच्छी तरह से, इसका थोड़ा रो उसके बाद इंग्लिश में स्पेस ज़्यादा है, ये देखिए इसको ड्रैग करके भी आप इसको मार्जिन ऐसे सही कर सकते हैं। अब देखिए आपको दिख रहा होगा, देखिए नेम का कॉलम इंग्लिश मैथ हिंदी कंप्यूटर। अब यहाँ पर हमें टोटल करना है, पहले सबसे पहले जो राजा का मार्क्स है यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, अब यहाँ पर टोटल करेंगे तो टोटल के ठीक नीचे का जो कॉलम ये है आपका जो सेल है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिएगा ऊपर अलग अलग आपको टैब्स दिखाई देगा, आपको लेआउट टैब पे क्लिक करना है। जैसे ही लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको डाटा का एक ग्रुप दिखाई देगा, राइट हैंड साइड में लेआउट टैब पे क्लिक कीजिए, फिर डाटा का ये जो है ग्रुप है यहाँ देखिए फार्मूला दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के साथ देख सकते हैं इस तरह फार्मूला का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ देखिए फार्मूला दिया हुआ है, इक्वल टू सम ब्रैकेट दिया हुआ है, फिर क्लोज ब्रैकेट, उसमें लिखा हुआ लेफ्ट। अब आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ये देखिए ऑटोमेटिकली टोटल यहाँ पे हो गया 272। इसको अगर ऐड करेंगे तो 272 होगा। अब ठीक नीचे वाला जैसे ये रानी का मार्क्स है यहाँ से यहाँ तक, अब इसको भी करना है तो ये नीचे वाला जो सेल है उसमें क्लिक कीजिए, उसके बाद अगेन लेआउट में जाइए, उसके बाद यहाँ पे फार्मूला जो है उस पर क्लिक कर दीजिए। करने के बाद अब देखिए फार्मूला में थोड़ा सा देखिए अलग हो गया, यहाँ पे इक्वल टू सम अबव दिया हुआ, अबव मतलब ऊपर का टोटल करेगा, लेकिन हमें चाहिए लेफ्ट वाला मार्क्स को टोटल करना है। तो ये जो अबव का बॉक्स है इसके अंदर हमें क्या करना होगा, लेफ्ट टाइप करना होगा। तो मैं LEFT लेफ्ट टाइप कर दिया, या इसे मिटा के भी अब इक्वल टू सम लेफ्ट, यहाँ पे दो ब्रैकेट के अंदर आपको लेफ्ट लिखना होगा, इक्वल टू सम लेफ्ट, उसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए इसका भी टोटल यहाँ से लेके इसका भी टोटल यहाँ पे हो गया। अब सवाल उठता है ये जो नंबर, ये जो नाम है मोहन का, इसको भी अगर टोटल करना है तो नीचे वाला सेल में क्लिक कीजिए, यहाँ पे टोटल वाला जो कॉलम है उसके ठीक नीचे वाला जो सेल है उस पर क्लिक कीजिए, कर्सर आ जाएगा। उसके बाद अगेन आपको फार्मूला में जाना है, अगेन देखिए इक्वल टू सम अबव, यहाँ से आप इसको मिटा के आपको लेफ्ट लिखना है। तो मैं इसे मिटा देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ LEFT लेफ्ट दिया, इसके बाद इसे शिफ्ट दबा के ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ये देखिए इसका भी, ये मोहन का भी टोटल यहाँ पे हो गया। तो इस तरह हम लोग किसी भी टेबल के अंदर सम ऐड कर सकते हैं, ऊपर से नीचे भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, वो आने वाले ट्यूटोरियल्स में मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे फिलहाल आपको सिंपल तरीका मैंने दिखाया कि कैसे हम लोग जैसे एक्सेल में हम लोग टोटल करते हैं, सेम टू सेम इसमें भी एक फार्मूला जो मैंने आपको दिखाया, सेम टू सेम उसी हिसाब से आप भी टोटल कर सकते हैं, वो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के अंदर। लेकिन अगर आपको तरीका पता है तो 2007 में भी आप कर सकते हैं। और ये आपको ऑप्शन मिलेगा, लेआउट टैब में जाइएगा, फार्मूला में क्लिक कीजिएगा, वहाँ आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।